नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला आपके सामने मैथ्स का लेक्चर लेके आया हूँ। मैथ्स जैसे अगर देखा जाए तो आपके जो आने वाले परीक्षाएं हैं, अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी लोअर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया है, उसके मेंस में अब मैथ का वेटेज और भी ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ आपका यूपीएसआई का हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपकमिंग वीक में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसमें भी मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बहुत सारे बच्चे जो राज्य सरकार की नौकरियों के लिए देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैथ एक बहुत बड़ा पोर्शन है। बहुत बच्चों की शिकायत आती रहती है, सर बाकी सेक्शन तो हो जाते हैं, रीजनिंग हो जा रहा है, हिंदी हो जा रहा है, इवन जीएस भी कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये एक ब्रिज है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पीसीएस टाइप में जो राज्य सिविल सर्विसेज है राज्य स्तर पे, तो उसके बीच में और वनडे एग्ज़ाम के बीच में जो एक ब्रिज बना रहा है यूपी ट्रिपल एससी, तो बहुत सारे बच्चे उधर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, उनके लिए मैथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपकी उसी परेशानियों को लेके एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरा क्लास का मॉड्यूल जो चलेगा वो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चलेगा, मतलब हम उन प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही बेसिक लेवल का है और उन प्रश्नों तक जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर, इसलिए ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसे आप आसानी से लगा लेंगे, तो परीक्षा में जब आपका टाइम मैनेजमेंट का बात आती है, टेम्परामेंट की बात आती है, उससे पहले वैसा क्वेश्चन लगा चुके होंगे तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत हम करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर से। टाइम एंड वर्क क्यों है, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्य और समय, क्योंकि अभी विगत परीक्षाओं को देखा जाए, उनके प्रश्न पत्रों को देखा जाए, तो हमें यह पता चल रहा है कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जिसमें सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला आपका नंबर सिस्टम तो मान लीजिए बड़ा इसलिए है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत बड़ा है। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, सर्च, इंडिसेस, छोटे छोटे करके बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। लेकिन अगर वाया कंटेंट के हिसाब से देखा जाए, उनमें परसेंटेज निकाला जाए, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा है, जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में 3 से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। अगर हम लोअर मेंस की बात करें तो लोअर प्री में भी 3-4 पूछे गए थे, तो मेंस में तो मैथ्स का वेटेज और ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन में 25 मैथ्स और 25 साइंस था, वहाँ पे आपका ये बढ़ के 50 से कितना हो गया है, 75 हो गया है। तो ये जो 25 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इनमें मैथ्स साइंस दोनों बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैथ ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो अगर यहाँ पे टाइम एंड वर्क ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे भी टाइम एंड वर्क का वेटेज ज़्यादा होगा। तो जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, सबसे पहले टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। फिर उन्हीं चैप्टर को हम पहले कवर करेंगे जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम के नज़रिया से। फिर हम कुछ सेकेंडरी चैप्टर जो उनके बाद में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, उनको देखते जाएंगे। लेकिन पूरे इस वीडियो लेक्चर के मॉड्यूल में आपका हर एक टॉपिक, हर एक प्रश्न, जहां से संभावित हो सकता है क्वेश्चन आना, वो सब कुछ हम लोग बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो बिना समय को ज़्यादा गंवाए हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक बात और, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे आप हिंदी माध्यम वाले जुड़े होंगे हमसे, अंग्रेजी माध्यम वाले भी जुड़े हैं, लेकिन हमारी जो क्लासेस होगी वो बायलिंगुअल चलेगी। जो लिखना रहेगा वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो बोलने की बात रहेगी वो प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वो बाद में समझा भी दिया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये क्लास पूरा हिंदी में भी किया जाए। तो टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय, जहाँ पर नाम ही बता रहा है कि कुछ तो आपका कार्य से रिलेटेड है और कुछ आपका समय से रिलेटेड है, और दोनों का मिलकर एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। जैसे बहुत सब प्रश्न से तो आप वाकिफ होंगे, नहीं भी होंगे तो मैं बता दूं, छोटा सा प्रश्न होता है कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, कोई व्यक्ति बी है जो उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने देर में उस कार्य को कर लेंगे। अगर प्रश्न की भाषा पे जाएं तो क्या कह रहा है, पहली बात तो कोई काम है मतलब कि एक कोई मैं 1 यूनिट वर्क मान लूं, कोई कार्य है ना, एक यूनिट कार्य है, वो कौन कर रहा है, करने वाला ए और बी है। जो जरूरी बातें उन्हें हमें समझना जरूरी है,
कार्य को कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, अब उनके द्वारा कितना समय लिया जा रहा है वो आपको क्वेश्चन में देगा। तो देखिए, कार्य और समय इस चैप्टर से आपके पास हर एक क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगी ही होगी। पहला क्या? समय। अगर वो समय दे देगा तो हम इसकी मदद से कार्य कितना किया जाना है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप इतना समझिए क्वेश्चन पूछने का मॉड्यूल क्या है, कैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, और प्रश्न करने से पहले क्या समझना जरूरी है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहेगी और क्या पूछेगा, ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आगे भी लेक्चर में बताता रहूँगा क्यों इन सब बातों का इंपॉर्टेंस है। तो अभी बस इतना समझिए कि एक प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों मिल जाए कार्य करने को तो कितने समय में कर लेंगे। कितने समय में कर लेंगे आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है ना। डे दिया है, कितने डे में कर ले रहे हैं और कितने टाइम में या डे में जो भी है वो पूछ रहा है कि कितने में करें। बाकी चीजें हिडन है। हिडन क्या है? आपका कार्य। उसने तो प्रश्न में बोल दिया कोई काम करता है, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा आखिर कौन सा काम कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है। दूसरी बात, किस रेट से कर रहा है। रेट कहने का मतलब कि रफ्तार। जैसे भाई कोई काम है वो 10 दिन में कर ले रहा है। अभी अभी आप इतना बस मान लीजिए कि अगर कार्य 100 हो, कोई 100 हो, ऐसा समझिए कि 100 मीटर दीवार बनानी हो या 100 मीटर रोड बनानी हो या 100 यूनिट कोई और कार्य करना हो, जो भी हो उससे मतलब नहीं है, 100 कार्य है और 10 दिन में कर लेता है तो कितना कार्य एक दिन में कर रहा होगा। भाई अगर 10 घंटे में सारा कार्य हो जा रहा है तो एक घंटे में 10 कर रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अगर हम 100 से इससे पूरा डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 10। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 है ये क्या है, उसका रेट है, उसकी स्पीड है, जिसे हम दूसरे भाषा में बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ये वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता की बात कर रहा है जिसे इफिशियंसी भी बोलता है। इफिशियंसी, कार्य क्षमता होता क्या है, किसी के भी द्वारा एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम मतलब एक घंटे में, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, जो भी बात हो, एक यूनिट टाइम में कोई कितना कार्य कर लेता है वही उसकी क्या होती है, कार्य क्षमता। जैसे अभी मैं एक ही बात करूं तो अगर वो एक घंटे में 10 कार्य करेगा तो 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, ऐसे ही 10 घंटे में 10 × 10 कितना, 100 कार्य आसानी से कर लेगा। तो इस पूरे कार्य और समय के चैप्टर में हमें कार्य क्षमता पे फोकस होना पड़ेगा, कितना समय ले रहा है कार्य करने को इस पे फोकस होना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना किया जाना है उस पे फोकस होना पड़ेगा, फिर हमें ध्यान देना होगा कि आखिर प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या पूछ रहा है, कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पे तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जब क्वेश्चन करेंगे तभी हमें सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो जैसे उसने बोला कि ए किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने देर में कार्य कर लेंगे। अगर दोनों मिल जाए, ए अकेला कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 10 घंटे में, बी अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में, तो दोनों मिलके कार्य को कितना करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं कर रहा हूँ एकदम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें थोड़ा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है। देखिए, हम कन्वेंशनल मेथड पे नहीं जाएंगे, ओल्ड स्कूल मेथड पे नहीं जाएंगे। ओल्ड स्कूल मेथड मतलब कि एक्स मान लें, कुछ कार्य मान लें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ आप एक बार समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप से लगते चले जाएंगे। इस पर थोड़ा हमें वर्क करना पड़ेगा, और एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो कितना भी टफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से रख दे, कितना भी वो आपको भाषा में उलझा ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वो आप बहुत आसानी से लगा लोगे। तो करना क्या है, सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, एक लाइन ऐसे करके खींचनी है, फिर हमें ये देख लेना है कि ए कितने देर में कार्य कर रहा है, बी कितने देर में कार्य कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम मतलब कि लासा, लासा लेना आप सभी लोगों को आता होगा। कुछ लोग ओल्ड स्कूल मेथड से ऐसे करके 10 और 15 ऐसे करके कर लेते होंगे। मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए, जो भी आपका बड़ा दिख रहा हो, बड़े डिजिट दिख रहा हो, 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15 बड़ा है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 15 एकम 15, 15 दुना 30,
देखो 15 एकम 15 के, तो 15 को तो ये काट लेगा लेकिन ये नहीं कट कर पाएगा, तो दूसरे पे आएंगे 15 दो 30 को ये भी कट कर देगा और ये भी कट कर देगा, यानी कि एलसीएम उसका यही हो जाएगा। बाकी आपका जो भी तरीका होगा एलसीएम निकालने का, जिन बच्चों को लाशा निकालने में दिक्कत हो रही है वो लेक्चर पड़ा है नंबर सिस्टम का, वहाँ पे जाके एलसीएम एससीएफ में सीख सकते हैं। मैं कई सारे तरीके बताया हूँ वहाँ पे, आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, लाशा कैसे निकाला जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कार्य निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का लाशा ले लिया, 10 और 15 का एलसीएम जैसे लेंगे 30 हो जाएगा। ये आपका पता चल जाएगा टोटल वर्क टू बी डन, कितना कार्य किया जाना है। अभी इस बात पे फोकस होइएगा, क्वेश्चन में कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखा कि कितना कार्य किया जाना है। उसने बोला ए किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, बी किसी कार्य को या उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है। कार्य वही है लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो हम एक अनुमानित मान निकालेंगे। अनुमानित देखिए, कार्य 30 भी हो सकता है या हो सकता है कार्य इसका दूसरा मल्टीपल 60 भी हो सकता है, या तीसरा मल्टीपल 90 भी हो सकता है, या चौथा मल्टीपल 120 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लाशा का कोई मल्टीपल ही होगा, 30 का कोई पहाड़ा ही होगा। 30 60 पीछे नहीं, 15 नहीं, आगे 30 60 90 120 150 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मान लीजिएगा, आपका उत्तर नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे, जितनी छोटी वैल्यू कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अनुमानित पता चल गया कि कितना कार्य किया जाना है। अब अगर आपको ये पता है कि कितना कार्य किया जाना है, आपको ये पता है उस कार्य को करने में ए 10 घंटा लेता है, तो ए 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा होगा। निकालने के लिए आप क्या करोगे, इससे इसे डिवाइड कर दोगे, 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, 30 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2। और यही आपकी कुछ नहीं है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना कार्य कर रहा है वही आपका क्या होता है, कार्य क्षमता। तो मैंने बोला कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, ये कितने टाइम में अकेले या साथ में जो भी दिया कंडीशन कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या है ये पता होना चाहिए, और टोटल वर्क कितना किया जाना है ये पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज पता है, अगर ये तीन चीज आप निकाल लिए, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अभी आप समझिएगा, मैं थोड़ा टाइम एंड वर्क के एक फॉर्मूले को भी थोड़ा रिलेट करके आपको बताता हूँ। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस तो पढ़े होगे क्लास 9-8 में, कहीं भी पढ़ के आए होगे या तैयारी कर रहे होगे तो इतना जानते होगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कितनी दूरी कितने समय में चली गई यही तो आपका चाल होता है। यहां पर अगर डिस्टेंस को मैं वर्क बोल दूं, कार्य कितना किया जा रहा है, भाई दूरी चला तो कार्य ही तो किया, तो ये कार्य है। कितना समय लिया मैं उसे टी बोल दूं, और जो ये एस था मैं इसे क्या बोल दूं, ई बोल दूं। मैंने बोला ना कार्य करने का दर, कार्य करने की क्षमता, ये स्पीड ही है, तो एक रिलेशन मिलेगा E=W/T, मतलब कार्य क्षमता बराबर कुल कितना कार्य बटे कुल कितना समय। अगर ये आपको पता है ये तीन चीज में कोई भी दो चीज, तो आप तीसरी चीज नहीं निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो ये रिलेशन थोड़ा आप दिमाग में बिठाए रहेगा, बहुत ज्यादा इसका यूज होगा बेसिक लेवल पे, एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसका कोई यूज नहीं है, इन सबका कोई यूज नहीं है। आप एकदम मन में क्वेश्चन लगाओगे, बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन लगाओगे, लेकिन शुरू में हमें समझना जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिनका एक पार्ट जीएस लेवल तो अच्छा है लेकिन मैथ्स में उन्हें फोबिया बन चुका है, मैथ्स उन्हें नहीं समझ में आ रही है या खासा दिक्कत महसूस हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे जो ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं या थोड़ा बहुत उनका लेवल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा पेशेंस बना के आप देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो एक एक चीज़ हम सीख के चलेंगे ताकि हमसे परीक्षा में जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो ना हो। दूसरी बात, एक बात तो मैं हमेशा फोकस रहता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, क्लास में भी ऑनलाइन भी, कि पढ़ना तो आप सभी को है लेकिन किस हिसाब से पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को देना चाहिए, कितना टाइम पर्टिकुलर चैप्टर को देना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए केवल पढ़ना मायने नहीं रखता, टेम्परामेंट, स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति,
ये सब चीज़ें भी क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी स्पीड, ये सब बहुत ज़्यादा भी जरूरी है सिलेक्शन लेने में। कारण क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं आप नहीं पढ़ रहे हो, सभी पढ़ रहे हो, है ना। तो पढ़ वही रहे हो, वहीं से पढ़ रहे हो, फिर भी कोई अच्छा कर ले रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कर ले रहा है उसकी रणनीति कहीं ना कहीं अच्छी है, उसे क्या मालूम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस पूरे क्लास के मॉड्यूल में, जबकि परीक्षाएं आगामी लगी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मैं हर क्लास में 5 से 7 मिनट थोड़ा बहुत आपको ये बताता रहूँगा आखिर क्या जरूरी है, किस हिसाब से पढ़ा जाए। ठीक, तो अभी हम एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये था कि एक किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में कर सकता है। हमने इसका लासा ले लिया तो हमें कुल कार्य पता चल गया, और उसके आधार पे कुल कार्य को देखो, कुल कार्य को उसके टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या पता चल गया? कार्य क्षमता पता चल गया, और वही कार्य क्षमता हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ऐसे बी की कार्य क्षमता, तो ए की कार्य क्षमता 3 है, यानी कि प्रति घंटा ए 3 काम करता है, और बी की कार्य क्षमता 2 है, यानी कि प्रति घंटा बी कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ये बोला था कि दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में कार्य या कितने घंटे में कार्य समाप्त हो जाएंगे, अगर घंटे की बात कर रहे हैं तो घंटा की बात करेंगे, कितने घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा यदि दोनों साथ साथ करें। तो भाई ए अकेला 1 घंटे में 3 कार्य करेगा, बी अकेला 1 घंटे में 2 कार्य करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो कितना कार्य करेंगे? साथ साथ बोलते रहिए, दोनों मिल जाएंगे तो कितना होगा? 5 कार्य कर लेंगे, 3 और 2 5, इन दोनों को हम यहीं पे क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 1 घंटे में कुल कार्य कितना होगा? 5। कार्य कितना किया जाना है? 30। तो इसी 30 को अगर 5 से हम विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी कितना समय लेगा? 6 घंटा लेगा किसी कार्य को करने में। तो बहुत ही आसान है ये, बहुत ही बेसिक, एकदम कार्य और समय का एकदम हलवा क्वेश्चन जो 0 से स्टार्ट होता है वो है ये। ए किसी काम को 10 घंटे में, बी किसी काम को 15 घंटे में, दोनों मिलके कितने देर में करेंगे? ऐसे करेंगे। अभी अभी केवल मैं डिजिट बदल दूं, केवल डिजिट बदल दूं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में ले जाने के लिए। मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए 12 घंटे में कर ले रहा है, चलो थोड़ा डिजिट बदल दे रहा हूँ, बी 20 घंटे में कर ले रहा है, अभी कितना होगा? अगर ये दोनों डेटा बदल गए, और क्वेश्चन में यही केवल दिया रहेगा, बाकी तो आपको सब निकालना ही है, ये दोनों बदल गए तो सब कुछ बदलना है। कैसे बदलना है? अभी देखिए, 12 और 20 का लासा क्या होगा भाई बताओ? 12 और 20 का लासा, 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर तो 20 एकम 20, 12 नहीं काटेगा, 20 दूना 40, 12 नहीं काटेगा, 20 3 60, 12 काट देगा, यानी क्या होगा? 60 हो जाएगा। जिन्हें भी लासा एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही हो, थोड़ा प्रैक्टिस घर पे भी कर लें, होमवर्क कर लें, लेक्चर के अपार्ट में थोड़ा सा हट के लिख लें, या प्रीवियस वीडियो पहले देख लें फिर आप करें, तो सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। इनका लासा आएगा 60, अगर ये 60 आएगा तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते थे? कुल कार्य को उनके द्वारा लिए गए समय से क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। तो 60/12 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ऐसे कार्य कितना किया जाना है? 60। कितना टाइम ले रहा है टोटल? 20। तो 60/20 3। समझ में आ गई बात? यानी ए किसी कार्य को करने में 12 घंटा लेता था, 60 कार्य है तो उसकी कार्य क्षमता क्या आई? 5। इसकी कितनी आई? 3। अगर दोनों मिलके करेंगे तो 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे बताओ भाई जल्दी से? 8। यानी अगर 8 कार्य कर लेंगे 1 घंटे में, तो ये 12 घंटे या 20 घंटे, अगर 8 कार्य 1 घंटे में कर लेंगे तो कार्य कितना किया जाना है? 60। यानी कि 60/8। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कट जाएगा तो 15/2, यानी कि 7 से ही 1/2 घंटे लगेंगे इन दोनों को एक साथ कार्य करने में। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब पेपर में आपके एग्जाम में, रियल एग्जाम में, उसे आसान क्वेश्चन देना होता है ना, तो एग्जैक्टली यही दे देता है। जैसे अभी लोअर के प्री में क्वेश्चन दिया कि ए किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है, बी 9 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें कोई जान है क्या? कुछ नहीं है। 18 और 9 का लासा 18 आएगा, यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता 1 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 2 आएगी, दोनों मिलके 3 कार्य कर लेंगे, कार्य है 18, कितना लेगा भाई? 6। ए और बी मिलके कितना कर लेंगे? 6। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया, जो नहीं याद, नहीं पढ़े हैं या कभी नहीं देखे क्वेश्चन, वो इतना आसान सा भी क्वेश्चन छोड़ के आ गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बोला अरे सर मुझसे ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो हो जाता,
है ना। तो अब समय है आपके पास, बहुत समय है, अभी आपका दिसंबर में उधर रिजल्ट आने वाला है, यूपीएसआई की भी नोटिफिकेशन बाद में आएगी, समय बहुत है। आराम से एकदम कूल माइंड होके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जीरो लेवल से पढ़ के चलिए। इस बार आपको गलत नहीं करना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सॉरी, तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है एक, अब से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, ठीक है, वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को 3 सही 3/7 घंटे में समाप्त कर सकता है। रोहित 8 घंटे में और अपने पिता के साथ 3 सही 3/7 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो रोहित के पिता अकेले उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे। रोहित है, मैं रोहित को आर से लिख ले रहा हूं, है ना, कितने घंटे में समाप्त कर ले रहा है, 8 घंटे में समाप्त कर ले रहा है। फिर क्या कह रहा है कि अपने पिता के साथ मिलकर, मान लो और ये उसके फादर है, एफ से फादर हो गए, कितने देर में, 3 सही 3/7 घंटे में कर लेते। अब ये पूछ रहा है कि आखिर उसके पिता, रोहित के पिता अकेले कितने देर में कार्य कर लेंगे। अब ये लगाने की तुरंत कोशिश करो इस क्वेश्चन को, एक बार तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है पहला, अब साथ साथ लगाते रहो ताकि आपका दिमाग भी चलता रहे। और देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, जब भी ऐसे चला करें तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो के साथ साथ करते रहोगे ना, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा खिलेगा और अच्छी चीज समझ में आएंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं मोबाइल ऐसे करके एकदम लेटे हुए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उस समय तो हो जाता है लेकिन बाद में क्या होता है, वो भूल जाता है। तो एक बार आप अपनी हैबिट बनाओ कि कॉपी पेन लेके एकदम आराम से टेबल पे बैठ के किया करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो रोहित अकेले 8 घंटे में कर ले रहा है, अपने पिता के साथ मिलकर 3 सही 3/7 घंटे में कर ले रहा है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके पिता अकेले उस काम को कितने देर में कर लेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में आएगी इसके कारण, आप बहुत सारे बच्चे होंगे कि अभी लासा ही नहीं निकाल पा रहे होंगे, यहाँ पे 8 था वहां पे 4 होता तो आराम से निकाल लेते लासा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सही 3/7 अभी लासा निकालने में दिक्कत होगी। तो जिन बच्चों को लासा निकालने में दिक्कत हो रही है वो साइड में कहीं बॉक्स बना के स्टार बना के लिख लें कि लासा कुछ मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अगर सिंपल से डिजिट है जैसे 8 और 4 का लासा निकालना है तो, या 8 और 3 का निकालना है तो इसका लासा सभी लोग जान रहे हो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, निकाल लो आराम से। लेकिन जब a अपॉन बी और c अपॉन डी के फॉर्म में आ जाती है चीजें तो उनका लासा निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे 3/4 और 7/9 का लासा निकालना है तो आप क्या करो, जो न्यूमरेटर में है मतलब कि आपका अंश है उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 और 7, ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है पूरा क्लियर, ठीक, क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का आप लासा ले लो और नीचे वाले का क्या ले लोगे, एस सी एफ ले लोगे, मासा ले लोगे, कितना आ जाएगा 4 और 9। तो देखिए 3 और 7 का लासा क्या हो जाएगा, 21, और 4 और 9 का मासा क्या हो जाएगा, 1, यानी 3/4 और 7/9 का अगर आपको लासा निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी मैं मासा की बात नहीं करूंगा, एस सी एफ की बात नहीं करूंगा निकालना, केवल एलसीएम की जरूरत है तो एलसीएम की बात करेंगे। अगर कभी पॉइंट में आ जाए जैसे 0.25 और 0.50 इसका लासा निकालना हो तो क्या करोगे, आप क्या करो दशमलव को बराबर अंक से शिफ्ट कर दो तो ये 25 और 50 हो जाएगा, इसका लासा निकाल लो क्या आ जाएगा, 50, और जो आएगा उतने जितना अंक खिसकाए हो उतना अंक फिर से इधर आ जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो अगर सिंपल है आप इस बना के कहीं साइड में लिख लेना स्टार बना के ताकि आपको ध्यान रहे, अगर सिंपल है 8-3 का लेना है तो आप जैसे निकालते हो वैसे निकालते हो, अगर फ्रैक्शनल आ गया है भिन्न में आ गया है 3/4 7/9 ए अपॉन बी सी अपॉन डी के फॉर्म में आ गया है तो आप अंश का लासा निकाल लो, हर का क्या निकाल लो, मासा निकाल लो, वहां से आपका आ जाएगा। डेसिमल में निकालना है मतलब दशमलव में कोई चीजें हैं तो आप बिंदु को बराबर बराबर खिसका लो, उसके बाद आप लासा निकाल लो और फिर से बिंदु जितना स्थान खिसकाए हो उतना स्थान पर लगा लो तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, तो रोहित किसी कार्य को 8 घंटे में कर रहा था और अपने पिता के साथ मिलकर 3 सही 3/7। अब यहाँ पे जो चैलेंज था कि लासा निकालना था उसे कैसे करेंगे हम देखते हैं। 3 सही 3/7 को अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, ये 24/7 लिखा है, सात्विक 21 3 24/7।
अभी ये ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ये 8/1 लिखा है या 24/7 लिखा है? तो अगर ये 8/1 लिखा है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? लासा लेंगे। तो 24 और 8 का लासा क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 1 और 7 का मासा क्या आ जाएगा? सिर्फ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 24/1 यानी कि 24 इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। तो 24/8 यहाँ पे कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 3। और 24/7 क्या हो जाएगा? 7। अब इतनी बात समझ में आ गई कि रोहित की कार्य क्षमता 3 है और उसके पिता के साथ जब कार्य कर रहा है तो दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 7 है, तो आखिर उसके पिता की कार्य क्षमता क्या है? भाई अगर दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं और वो अकेला 3 काम कर रहा है तो उसके पिता कितने काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बस करेंगे कैसे? इनके फादर की, इनके पिता की निकालने के लिए इसी 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा क्या? 4। तो उनके पिता की कार्य क्षमता है 4, मतलब कि वो 1 घंटे या 1 दिन में, मतलब कि 1 यूनिट टाइम में 4 कार्य करेंगे और कार्य किया जाना है 24, तो आखिर कितना समय लगेगा? तो बस 24/4 यानी कि 6 का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते चलिए। ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? मैंने बताया ना कि क्वेश्चन का एक एक लेवल थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपकी समाप्ति होगी, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, क्वेश्चन बहुत मजेदार होगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि ए, सबसे पहला काम क्या? स्ट्रक्चर बनाना। ए 20 दिनों में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है? 40 दिनों में कर रहा है। स्ट्रक्चर आपका बन गया। इतना काम तो आपको कोई भी प्रश्न हो, टाइम एंड वर्क का इस पे आधारित कोई भी प्रश्न हो, इतना काम आपको कर लेना है। अब इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू कर देनी है। भाई ए 20 दिन में कर ले रहा है, बी 40 दिन में कर ले रहा है, तो दोनों का लासा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बड़े वाला का पारा शुरू कर दो, 40 एकम 40 पे ये भी काट दे रहा है, भी काट दे रहा है, तो 40 ही हो जाएगा। 40 अगर उसका लासा आ गया तो यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 40/20 दो, 40/40 एक। समझ में आ गया? ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1। अब हमें इस स्ट्रक्चर में सब कुछ पता चल गया, कार्य कितना किया जाना है वो भी पता चल गया, दोनों की कार्य क्षमता भी पता चल गई, और ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दिया ही था। बस अब हमें अपना दिमाग लगा देना है। दिमाग कैसे लगा देंगे भाई? बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके कंडीशनल पे जाना है, जैसे जैसे भाषा बोलेगा प्रश्न का वैसे वैसे करना है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर प्रश्न को पढ़ना और समझना आपको आ गया तो मैथ का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे लगे ना, एकदम आप लगा लोगे, बहुत आसानी से लगा लोगे। तो दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे भाई? 3। साथ साथ बोलते रहिएगा ताकि पता चले कि आप हाँ पढ़ रहे हो। तो दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे? 3। लेकिन कंडीशन उसने क्या दी? बोले कि अगर 5 दिन तक कार्य करें, तो अगर 1 दिन में दोनों मिलके 3 कार्य कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 15 कार्य करेंगे। कार्य 15 किए कितना? 5 दिन में। और क्वेश्चन क्या पूछा था? 5 दिन तक कार्य करें तो कितना भाग शेष रह जाएगा? बताओ, आप बताओ मुझे। काम करना था 40, 5 दिन में कर पाए हैं केवल कितना? 15। तो जब 15 कार्य कर पाए हैं 40 में से, तो कार्य अभी भी कितना बचा है? 40-15 यानी कितना बचा है? 25 कार्य अभी किया जाना बाकी है। तो बस वही तो पूछ रहे हैं, कितना भाग बाकी है? तो भाग निकालने के लिए 25 बाकी है, कितने में से? 40। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो 5 बार जाएगा 25, और ये यानी 5/8 कार्य अभी बाकी है किया जाना। अभी इसी में पूछ लेते कितना कार्य हुआ है। तो देखिए, एक बात समझिए, 5/8 कार्य अभी किया जाना बाकी है, और मैंने पहले ही बताया कि किसी भी कार्य को हम क्या लेते हैं? 1 यूनिट। यहां पे 40 है लेकिन हम इसे क्या लेंगे? 1 यूनिट। मैं बोलूंगा कि 40 मीटर रोड बनानी है, लेकिन बनानी तो रोड ही है, तो अगर 40 मीटर रोड बनानी, मैं बोलूंगा उसे 1 कार्य किया गया। तो उसका अगर 5/8 भाग हो गए बचा है तो कितना हो गया है? 1 में से 5/8 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3/8 कार्य हो गया है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर 5 दिन तक कार्य करें तो कितना कार्य हो गया है, या जैसे इस प्रश्न में पूछा कि अगर 5 दिन तक 7 मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य बचा रह जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 5/8। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं।
कुछ और अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप पढ़िए, मैं रफ करूं साथ साथ में, फिर मैं प्रश्न बोलता हूं और आप साथ में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? आसान सा है, आप भी तुरंत लगाइए, मैं भी फिर बता रहा हूं। ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। एकदम आप वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर लगा लिया करो, फिर आप आगे देखा करो, इससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है, ध्यान रहे। ए 20 दिन में कर ले रहा है, बी अकेला, दोनों अकेले की बात कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में कर ले रहा है। प्रश्न अभी इससे पहले में था कि अगर 5 दिन तक कार्य करे तो कितना भाग बचेगा। इसमें कह रहा है कि अगर आधा कार्य करना हो तो कितना दिन उन्हें लगेगा, यही पूछ रहा है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में समाप्त तो हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो कुछ भी हो, प्रश्न वो कुछ भी पूछे, हमें बेसिक सा काम तो करना ही है। 20-30 का लासा लेना है, क्या हो जाएगा? 60। यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ पे क्या आएगा? 2। इतना काम सभी को करना, तुरंत करना है, ये आसानी से हो जाएगा। 7 कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे? 5 कार्य कर लेंगे एक यूनिट टाइम में। और बोल रहा है कि आधा कार्य कितने समय में कर लेंगे। भाई अगर कार्य 60 है तो उसका आधा कार्य कितना होगा? 30 होगा ना। बस वो यही पूछ रहा है कि 30 कार्य को कितना समय लगेगा। तो 30/5 कुल कार्य कितना किया जाना है बटे कुल कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? 6 आपका उत्तर आ जाएगा। जिनका यही उत्तर आ रहा था, इतना समझ लीजिए कि आप लोग एकदम सीखने लगे हो, और जैसे जैसे प्रश्न के हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, अगर आपसे होता जा रहा है तो मान के चलिए अब आपको मैथ में फोबिया की जरूरत नहीं है, अब आप सारे प्रश्न कर ले जाओगे, बस साथ बने रहो। तो चलिए फिर बिना समय को गंवाए एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा तो ऊपर सेटिंग होती है, स्लो करके देख लेना, धीमे बोल रहा तो ऊपर सेटिंग होती है, तेज करके देख लेना, वो आपके इच्छा पे है, लेकिन मैं मेरी स्पीड तो यही रहेगी। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य के, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखते रहिए, मैं जो बोल रहा हूं वो एक अलग बात है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, समझ गए होंगे बच्चे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं, मेरा काम है आपको समझाना। हाँ, ये कह रहा है कि 1/4 भाग को कौन, ए, कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। अभी डिफरेंस भी समझा रहा हूं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। बी का बोल रहा है कितने कार्य को भाई, 1/3 कार्य को कितने दिन में कर ले रहा है? 1/3 कार्य को 20 दिन में कर ले रहा है। अभी इस प्रश्न में और बाकी प्रश्नों में अंतर क्या था समझिए। उसमें कहता था ए किसी कार्य को 10 दिन में कर ले रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर ले रहा है। यहाँ पे बोला कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर ले रहा है, बस इतना सा अंतर है। हमें यहां से इस कंक्लूजन पे आना है, कैसे आना है आप समझिए। ये तो समझ में आ गया आपको कि कोई भी कार्य हो उसे क्या लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं। अब उस एक यूनिट का 1/4 अगर 10 दिन लेगा तो एक यूनिट कितना दिन लेगा? जब कार्य बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा कि घटेगा? समय बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसको करने के लिए समय भी बढ़ेगा। तो 1/4 समय इसे एक कार्य करना है तो यहाँ पे भी 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक कार्य को कितने दिन में? 40 दिन में करेगा। ठीक है, से इसमें 1/3 कार्य को 20 दिन में, तो एक कार्य को कितना, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, तो एक कार्य को कितना? 60 दिन में। अब आपका क्वेश्चन वही हो गया जो आप करते आए हो, बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, यदि दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो करने का तरीका, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनका एलसीएम लोगे, 60 और 40 का एलसीएम, बताओ भाई 60 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 60 + 60 60 × 120 120 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, बस आपका एलसीएम क्या आ गया? 120। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। दोनों मिलके कार्य करेंगे 5। कार्य क्या जाना है? 120। एक यूनिट टाइम में दोनों मिलके कितना करेंगे? 5 कार्य। तो कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता आपका समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बात को? जिन्हें ना समझ में आया हो थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि फिर से क्या प्रोसेस हुई है।
जब भी ऐसे टाइप में दे दे तो आप उसके फ्रैक्शनल वर्क को जो भिन्न में कार्य दिया है उसे एक यूनिट बनाओ। अभी सपोज करो यहाँ पे 3/4 दिया होता तो इसे एक कैसे बनाते, यहाँ पे 4/3 से गुणा कर देते, ये कट जाता, ये कट जाता, एक ही तो बचता, तो यहाँ पे भी हमें इसे किससे करना पड़ता, 4/3 से, तो कितना जाता 40/30, तो बस ये 40/3 हो जाता। ठीक ऐसे यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे मान लो 5/3 दिया होता तो किससे करते, 3/5 से, तो ये 1 हो जाता। यहाँ भी 3/5 से, तो कितना हो जाता ये 5 + 20 = 12। बस अब इसका एलसीएम तो आप जानिए, a/b c/d के फॉर्म में कोई चीज़ है, कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे लासा निकालते हैं, वो तो आपको पता ही है। आप लासा निकालो, यहाँ पे रखो, जो लासा निकालोगे तो कार्य आएगा, कार्य निकालोगे तो कार्य क्षमता आएगा, कार्य क्षमता आएगा दोनों जोड़ दोगे, कुल कार्य को डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा। और तेज बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड भी बनानी पड़ेगी, है ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, साथ साथ बोलते रहो, दिक्कत आएगी कि नहीं, हाँ बोलो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, दिक्कत आए भी तो भी बोलो दिक्कत नहीं आएगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा, देख लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 25 मेरे सीट का क्वेश्चन है आपके लिए, अभी तो ये चौथा पांचवा ही क्वेश्चन होगा, है ना, देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, आप तुरंत देखना शुरू कर दिया करो, मुझे पलटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कह रहा है कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, विमल उसी काम को करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया है, लेकिन वो लेवल बढ़ाएगा और हम उसे करने का तरीका और आसान बनाएंगे। वो जितना जितना क्वेश्चन को टफ करता जाएगा, हमारे करने का तरीका उतना ही आसान होता जाएगा, देखते हैं कैसे। अभी समझिए, जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो देखिए, कह रहा है कि कमल किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि विमल कमल से 50% अधिक कार्य कुशल है। एक विमल है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, कमल को के से, विमल को बी से, है ना, विमल तो आप जानते होंगे। विमल जो है कमल से 50% अधिक कार्य कुशल है, 50% अधिक, कौन, विमल किससे, कमल, क्लियर। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, इसका भी दिया होता था और यहाँ पे भी दिया होता था, तो हम सीधा स्ट्रक्चर खींचते थे और ऐसे निकाल लेते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसने बोला है कि ये 50% अधिक कार्य कुशल है, तो आप समझिएगा इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, हमने एक लिखा था बस यही से, अगर वर्क कॉन्स्टेंट है तो ई और टी में क्या रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल का होगा कि नहीं होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे वो दोनों, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कहने का मतलब अगर हम रेशियो में करें तो अगर इनका रेशियो एफिशिएंसी का 1:2 होगा तो टाइम का रेशियो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसे थोड़ा आसान बनाएंगे, विमल कमल से 50% अधिक कार्य कुशल है, अगर कमल 100% है तो विमल कितना होगा, 150% होगा कि नहीं, 50% इससे ज्यादा है, जब भी ऐसा है तो आप 100 मान लिया करो। तो अगर कमल कितना है 100 है तो विमल कितना हो जाए 150, यानी कि अगर इसे कट करें, 0-0 हटा दें, परसेंटेज हटा दें, तो ये 3 यहाँ पे 2, ये कमल का रेशियो है, ये विमल का रेशियो है, मतलब जब कमल की कार्य क्षमता 2 है तो विमल की कार्य क्षमता क्या है, 3 है, तो ये एफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, अभी अभी मैंने बताया 3:2। बस यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे इसे मिटाल देते हैं और थोड़ा प्रश्न पे आते हैं। कमल, ये तो आपका टाइम का रेशियो आया, है ना, आपके हिसाब से कमल कितना समय ले रहा है, 3 ले रहा है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 15 ले रहा है, तो 3 से 15 में आने में किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे जो आएगा भाई आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैं पूरा कोशिश क्या कर दिया, जो एकदम नया कर रहे होंगे परेशान मत होइए, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, हालांकि आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और अच्छे से आए, और जब रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। अभी हम इस मेथड से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा आ जाता, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए हमने किया क्या, उसने बस ये हमें हिंट दे दिया था कि जो कमल का है, सॉरी विमल का जो है कार्य क्षमता, वो कमल से 50% ज़्यादा है,
बस हमने यही लिया कि अगर कमल 100 है तो विमल कितना हो जाएगा 150, यानी कि अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता है, इसका उल्टा होता है तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 15 दिन लेगा, हम कह रहे हैं 3 दिन लेगा, तो 3 से 15 आने में 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी आने में हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। इतना आसानी से कर सकते हैं। अगर इसे हम उस मेथड से करते तो एक बार देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। कमल 15 दिन में कर रहे हैं, देखिए जब आपको दूसरे का समय ना मालूम हो तो आप इसी को कार्य मान लो, एकदम नोट कर लो, स्टार बना के कहीं लिख लो। जब आपको किसी एक का ही समय मालूम है तो उसका समय ही क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है, अपनी भाषा में उसे लिख लेना। तो अगर हम इस कार्य को यहीं पे मान ले, क्या 15 मान ले, तो इसकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। अब उसने बोला है क्या कि जो विमल है उससे 50% ज्यादा अधिक है, तो अगर ये 1 है इसका 50% कितना होगा आधा, उतना अधिक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विमल की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो बस वो डे पूछ रहा है, इसकी कार्य क्षमता पता है आपको, कुल कार्य पता है, तो कितना हो जाएगा 15/1.5 कितना हो जाएगा 10। आप यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ऐसे भी, तो तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। रेशियो पे थोड़ा आसान पड़ता है, जैसे क्वेश्चन करेंगे जब 3 का आ जाता है तो आसान पड़ जाता है, इसलिए मैंने उससे बताया। नहीं समझ में आता तो आप इससे भी कर सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कोई भी हो ये तरीका बेस्ट है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, आप सीखते चलो। चलो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ स्क्रीन पे आपके आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए किसी काम को पूरा करने में 7 घंटे का समय लेता है, तो इसी काम को पूरा करने में बी कितना लेगा। अभी जैसे मैंने रेशियो पे बताया ना, उससे ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर ए बी का रेशियो निकालें, इसकी कार्य क्षमता 1 होगी तो इसकी क्या होगी 2 होगी, उसके दुगनी है। तो ये तो आपका कार्य क्षमता का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है। आपको मालूम है कि टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2। बात क्लियर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एक को काम करने में कितना समय ले रहा है 7 घंटे। भाई आपके हिसाब से तो 1 घंटा ले रहा है, प्रश्न कह रहा है 7 घंटे, तो यहां से यहां में आने में किससे गुणा करोगे 7, ठीक ऐसे यहां पे भी 7 से गुणा कर दोगे। अगर इधर उससे गुणा करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां पे क्या आ जाएगा 14, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये आप मन में लगा सकते थे, रेशियो इसलिए थोड़ा आसान कर देता है, रेशियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन को वो टफ करना चाहा लेकिन हमने क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो एक क्वेश्चन और बिना समय गवाए देखते हैं बहुत अच्छे से, और मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका जो पहला लेक्चर है, आपने 7-8 क्वेश्चन देखे बहुत अच्छे से। मैंने आपसे बताया था कि हर लेक्चर में हम 0 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, और जितने भी लेक्चर आपके आएंगे पूरी प्लेलिस्ट होगी टाइम एंड वर्क के चैप्टर के, उसमें हर लेक्चर में आपका हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे, और लेक्चर का एंड आपका एक क्वेश्चन के साथ होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सभी लोग देंगे, याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको दे दिया घर से करने के लिए, उस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, उसमें कुछ बहुत अच्छा छुपा है। अगर आप इस प्रश्न को अपने आप से लगा ले गए तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो देखते हैं किन किन को सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं बोल भी दे रहा हूं कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन ज्यादा लेता है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा समय लेता है, तो ए प्लस बी उस समय, मतलब कि दोनों मिलके उस काम को करने में कितना समय लेंगे। एक बार मैं प्रश्नों को समझा दे रहा हूं। अभी तक आपने स्ट्रक्चर देखते आया कि ए किसी काम को मान लो 10 दिन में कर ले रहा है, बी कितने दिन में कर ले रहा है 15 दिन में कर ले रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसा आप स्ट्रक्चर देखते आए हो। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्या कह रहा है, अगर ये दोनों 7 कार्य कर रहे हैं, ठीक, तो जो ए है वो ए प्लस बी से कार्य करने में कितना समय ज्यादा ले रहा है 8 घंटे ज्यादा ले रहा है,
और बी जो है वो ए प्लस बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो आखिर ए प्लस बी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सभी से उत्तर अपेक्षित है, आप उत्तर दो, कमेंट में दो, ताकि हमें पता चले कि आप कितना सीख गए हो। मैं हिंट जरूर दूंगा कि कुछ और नहीं, जो भी सीखते आए हैं इसी का आपको यूज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।